गाइस वेलकम टू लॉ सीखो। आज की वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बात करूंगा। कॉपीराइट के ऊपर आपके लिए बहुत सारे फेमस केसेस लेकर आया हूं। वीडियो को एंड तक देख के जाना। देखिए मैं कभी बैठ के वीडियो तो बनाता नहीं हूं, बट आज क्या थोड़ा वैक्सीनेशन लिया है, थोड़ा फीवर हो रखा है, तबीयत डाउन है, बट वीडियो के कॉन्टेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाना। देखिए सबसे पहला केस संजीव पिलाली वर्सेस वेनु कुलपानी एंड अदर्स। अब इस केस के अंदर क्या हुआ था, देखिए आपको क्या पता है, जो ओरिजिनल ऑथर होता है ना वर्क का, भले वो वर्क को असाइन भी कर दे फिर भी उसके पास राइट्स रहते हैं। यही इस केस के अंदर डिसाइड करा गया था। एक ओरिजिनल ऑथर था, उससे अपना वर्क किसी और को ट्रांसफर करा। अब जिसको ट्रांसफर करा उसने मूवी बनाते समय बहुत सारे मटेरियल चेंजेस कर दिए ओरिजिनल ऑथर के वर्क के अंदर। अल्टीमेटली ओरिजिनल ऑथर ने कोर्ट में अपील करी और कहा कि मेरे वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस करे गए जो कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और कोर्ट ने जो ओरिजिनल ऑथर था उसके हक में फेवर दिया और कहा भले ही ओरिजिनल ऑथर ने अपना वर्क असाइन भी कर दिया फिर भी कोई पर्सन विदाउट परमिशन ओरिजिनल ऑथर के उसके वर्क में चेंजेस नहीं कर सकता, कोई भी मटेरियल चेंजेस नहीं कर सकता, करता है तो वहाँ पे वो लाइबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट केसेस की तरफ। ये बहुत फेमस केस है, ये एक मंकी का केस है, मंकी फोटो केस। इसके अंदर क्या हुआ था, एक बहुत फेमस फोटोग्राफर था, जुलाई 2011 के अंदर ब्रिटिश फोटोग्राफर डेविड ने क्या करा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विजिट करा। वहाँ पे वो बहुत सारी फोटोज़ ले रहा था। अब कैमरा वो अपने सेंचुरी में भूल गया, वहाँ पे एक मंकी आया, मंकी ने कैमरे से खुद की फ़ोटो क्लिक कर ली। अब बहुत अच्छी फ़ोटो आई थी, डेविड ने बाद में जब अपना कैमरा लिया देखा और वो उस फोटो को वायरल कर दिया, हर न्यूज़पेपर पे मैगजीन पे वो फोटो जाके छपने लग गई। उससे क्या हुआ, उससे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले आ गए, कहा कि ये मंकी का जो फोटो है इस पर कॉपीराइट मंकी का है, क्योंकि मंकी ने फोटो खुद ने क्लिक करी है। अल्टीमेटली कोर्ट में केस गया, कोर्ट का डिसीजन ये निकल कर आया कि जो मंकी है ना वो ह्यूमन नहीं, वो एनिमल है, तो मंकी को कोई राइट नहीं है कॉपीराइट लॉ के अंदर, इसलिए डेविड के पास सारे राइट्स हैं। अल्टीमेटली आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुआ, डेविड के पास आज उस फोटो का 75% रॉयल्टी अमाउंट जाता है और बाकी 25% सेंचुरी वालों के पास जाता है, जिससे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डेवलप कर सके। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ना जरूरी है। देखिए दो फ्रेंड्स हैं, आप और आपका फ्रेंड, इमेजिन करिए आपने एक आईफोन लिया, आपके फ्रेंड को दिखाया, फ्रेंड ने बोला आईफोन बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएंगे, और उस आईफोन से वो फोटोग्राफी करने लग गया। अब बहुत अच्छे फोटो उसने क्लिक करी जो $1,00,000 की ऑनलाइन बिकी, तो उस फोटो पर कॉपीराइट किसका है, फ़ोन तो आपका था, इन्वेस्टमेंट आपका था, बट क्लिक आपका फ्रेंड कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ, जिस पर्सन ने फोटो क्लिक करी है ना उसका राइट है उस फोटो के ऊपर, $1,00,000 वही लेके जाएगा, ना कि वो फोन वाला, हो गई ना चोट। इसलिए आगे से ध्यान रखना, किसी को अपना फोन मत देना। यही इस केस के अंदर डिसाइड हुआ, अगर वो मंकी ह्यूमन होता ना तो उसको कॉपीराइट मिल जाता क्योंकि उसने खुद ने फोटो क्लिक करी है, बट वो ह्यूमन नहीं था, एनिमल था, इसलिए वो केस नहीं जीत पाए। अब चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर, यह है नीतू सिंह वर्सेस राजीव सनु मित्रा। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए क्या होता है, हम में से बहुत सारे लोग जॉब के अंदर होते हैं। अब जॉब के अंदर सैटरडे संडे फ्री मिलता है, अब कई लोग क्रिएटिव होते हैं, कोई बुक लिखता है, पोएम लिखता है, कोई गाने गाता है, कोई गाने बजाता है, मूवीज़ बनाता है, आजकल तो यूट्यूबर्स ही बन गए बहुत सारे इंजीनियर्स यूट्यूबर्स बन गए, शाम को आने के बाद वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब पर डालते हैं। अब पॉइंट ये है, जो वीडियोज़ बनाई है, जो बुक्स लिखी हैं, ये सारी चीज़ आपने क्रिएट करी है, तो क्या उस पर हक किसका होगा, एम्प्लॉयर का होगा या आपका होगा। यही इस केस के अंदर हुआ था, नीतू सिंह ने क्या एक बुक लिख डाली, अब मार्केट ने पब्लिश हुई उससे उससे रॉयल्टी कमाई, तो कंपनी के डायरेक्टर से उठ के आगे, कंपनी के अंदर आप डायरेक्टर हैं, आपने बुक कैसे लिख दी, लिखी है तो उस पर राइट कंपनी का होगा क्योंकि आपने अपने जॉब के टाइमिंग पे किताब लिखी है। अब जब कोर्ट के अंदर ये केस गया तब उन्होंने प्लीड करा कि देखिए मैंने ना ये जॉब के टाइमिंग के अंदर ये बुक नहीं लिखी, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था कि आप किताब नहीं लिख सकते हो, या फिर जो काम मैंने करा है वो मेरे काम में से रिलेटेड हो, क्योंकि देखो जो मैं काम कंपनी के अंदर करी थी वो एक अलग काम था, बुक लिखने का काम अलग था, तो दोनों अलग अलग काम है। वो बुक लिखना मेरी हॉबी थी और ये मेरा प्रोफेशनल काम था, जो बिल्कुल अलग है। इसलिए ये फिर इसके बाद कोर्ट ने नीतू सिंह के फेवर में जजमेंट दिया और कहा कि अगर कोई पर्सन ऐसा काम करता है क्रिएटिविटी का जो कि उसके जॉब रोल के अंदर नहीं था और वो आफ्टर वर्किंग आवर्स करता है तो उसके ऊपर कंपनी का कोई कॉपीराइट नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट केस लॉ की तरफ, बागी, बहुत फेमस मूवी थी, आई होप आपने देखी होगी, XYZ फिल्म्स वर्सेस UTV मोशन पिक्चर्स। इसके अंदर क्या हुआ, रेड मूवी सब जानते हैं अजय देवगन को, उनकी मूवी आई मार्केट के अंदर, उसके बाद बागी मूवी आई। अब रेड मूवी के जो डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने केस फाइल कर दिया, कहा बागी ने हमारी पूरी स्टोरी लाइन को कॉपी करा है, एक्शन सीन से लेकर हीरो हीरोइन का मिलना, विलन फाइटिंग, ये सब। अब कोर्ट का जजमेंट क्या निकल कर आया, देखिए कोर्ट ने कहा जो ये सब है ना कि विलन हीरोइन को ले जाता है, एंड में हीरो आता है बचाता है, ये बहुत कॉमन है, इतनी सारी मूवीज़ में आ चुका है,
अगर हम बात करें बिल्डिंग के अंदर फाइटिंग सीन्स की, तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी यूनिक नहीं था। अगर आप कोई यूनिक मूवी लाते हैं, स्टोरी लाइन लाते हैं जो बहुत यूनिक थी, पहले कभी सोची नहीं गई, तो हम कंसिडर कर सकते थे। अगर स्टोरी लाइन सिंपल है कि हीरो हीरोइन है विलन है, तो हर स्टोरी पिक्चर के अंदर होता है। इसलिए रेड मूवी के जो डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स थे वो केस हार गए, क्योंकि वो यूनिकनेस प्रोड्यूस नहीं कर पाए कि यूनिकनेस क्या है। क्योंकि फाइटिंग सीन्स, लव सीन्स, हीरोइन का मिलना, हीरो को हीरोइन को बचाना विलन से, सब कॉमन है। इसलिए रेड मूवीज के प्रोड्यूसर्स केस को हार गए। अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एंड अदर्स वर्सेस सतवीर गौर। इस केस के अंदर क्या होता है, ये लास्ट केस बताने जा रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, आपके काम आ सकता है। क्या हुआ, दिल्ली के अंदर कुछ पर्सन थे, वो खुद का एक बिजनेस कर रहे थे। अब वहाँ पे वो सर्विसेज देते थे दूसरे लोगों को, जैसे फोटोशॉप करना, वीडियो एडिटिंग करना, उनके लिए सिस्टम्स बनाना और ऑफिस के वर्क करना। अब हुआ क्या, वो जो अडोबी के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज यूज़ कर रहे थे, वो सब पायरेटेड थी। देखो, आज आप ऑफिस के अंदर ये सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज़ करते हो ना, ये मत सोचना कंपनी को उसका मालूम नहीं पड़ता। सब कंपनीज को पता चल जाता है, उनके पास डेटा जाता है। वहाँ पे छापा पड़ा उनके ऑफिस में बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस से छापा मारा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कोर्ट में केस भी फाइल करा। उसके बाद कोर्ट ने एक पर्सन को अपॉइंट करा सारी चीज़ों को चेक करने के लिए। अल्टीमेटली निकल कर आया जो डिफेंडेंट था ना, वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था अडोबी के, प्लस पायरेटेड विंडो यूज़ कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट की। एंड अल्टीमेटली सामने वाले पर्सन के ऊपर पेनल्टी लगी, उसको पेनल्टी भरनी पड़ी, एंड वो केस लूज कर गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कॉमर्शियल काम कर रहे हो ना, ऑफिस चला रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो, तो वहाँ पे आप पायरेटेड विंडोज एंड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ नहीं कर सकते। कंपनीज आके आप पे केस फाइल कर सकती है। बट हाँ, अगर आप घर में उसको चला रहे हो, होम लाइसेंस आपने ले रखा है, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं जैसे ऐसे काम के इंपॉर्टेंट केस लॉ इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ ना, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और भी आपके मन में कोई केस लॉ हो जो मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं बताया हो, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कॉमेंट कर दो, या तो मैं उसकी डिटेल केस स्टडी बना दूंगा, या आपको रिप्लाई उसके कॉमेंट का रिप्लाई करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद।